एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैकनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरी मती मारी गई थी कि मैं फिल्म संदीप और पिंकी फरार देखने चला गया। जब मैं थिएटर पे पहुंचा और टिकट लेकर जब अंदर गया तो मुझे लगा कि शायद थिएटर से ऑडियंस फरार होगी, शायद मेरे अलावा कोई थिएटर में होगा ही नहीं। लेकिन यू विल शॉक टू हियर, जब मैं अंदर गया तो 12 से 15 लोग थे अंदर। अरे बोला वो सरप्राइज, इतने सारे लोग। बाद में पता चला वो सफाई कर्मचारी थे, वो साफ सफाई करने वाले थे। तो मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा था, तो ओनली 2 पीपल इन द थिएटर। तो मतलब ऑडियंस टोटली फरार, ट्रेन पकड़ के विरार चली गई। इट्स लाइक सन्नाटा पूरा थिएटर में, ऐसा लाइक राम से ये पिक्चर चल रही है। ओनली 2 पीपल, इमेजिन 2 पीपल इन द थिएटर। जितना पैसा टिकट का आया उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक बिल, एसी का पैसा उधर खर्चा हो गया। तो व्हाट बिजनेस दिस पीपल आर मेकिंग आई कांट अंडरस्टैंड। और पिक्चर जब शुरू हुई तो ऐसा लगा हाँ अच्छी पिक्चर लग रही है। बाद में 15-20 मिनट के बाद डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी, उन्होंने जो अपना रंग दिखाया, मतलब इतनी घटिया पिक्चर कि दिस मूवी कम्स इन द लिस्ट ऑफ हैरी मैट सेजल, थप्पड़, लव आजकल 2, ये सब ऑस्कर अवार्ड फिल्म की लिस्ट में ये पिक्चर आती है। इट इज बियॉन्ड डिजास्टर, आई डोंट हैव वर्ड्स। ये लोग क्या बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब ये लोग लगते हैं आधी पिक्चर के बाद ये लोग भूल जा रहे हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं और कुछ और किधर दिमाग जा रहा है। मतलब दे डोंट नो व्हाट दे आर मेकिंग। मतलब ऑडियंस को मतलब क्या बोलो, ऐसा लग रहा है कि अगर ये फिल्म गवर्नमेंट देखेंगे तो दोबारा लॉकडाउन कर देगी, पूरा देश फिर से बंद हो जाएगा। सच में मतलब गवर्नमेंट यही बोलेगी कि लोग कोरोना से तो मर रहे थे, अभी तो बच रहे, वैक्सीन आ गया है, अगर ये फिल्म देखेंगे तो जल्दी मर जाएगी। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द फिल्म पिंकी और संदीप फरार, या संदीप और पिंकी फरार, जो भी फरार है वही तो फरार है लोगों। द फिल्म स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन इतना घटिया है, इतना घटिया है कि मेरे को अपने आप में तरस आ रहा है कि मैं फिल्म देखने क्यों गया। और आधे पौने घंटे के बाद जब मैंने नज़र घुमाई तो जो बंदा मेरे साथ एक बंदा था थिएटर में, वो ही पता नहीं किधर गायब हो गया। ऐसा लगता है थिएटर उसको खा गया, या वो जिधर बैठा था वो सीट उसको निकल गई, या वॉशरूम में जाके उसने फांसी ले ली, समझ में नहीं आ रहा है। तो आई वॉज अलोन इन द थिएटर, पूरे थिएटर में मैं अकेला फिल्म देख रहा हूँ। अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा और बाकी जो कलाकार वो लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो उनको ही पता, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। एकदम आदमी का इंटरेस्ट टोटल है ही नहीं स्क्रीन के ऊपर, और बिजी भी इतना मोबाइल, इतनी घटिया पिक्चर है। इंटरवल में भाग गया तो जो काउंटर में लोग होते हैं वो भी सब फरार, बोले उन्होंने देखा रहेगा एक ही बंदा बैठा है, खा के क्या खाएगा, एक कोल्ड ड्रिंक या समोसा या पॉपकॉर्न लेगा, क्या खाएगा। तो वो लोग भी फरार, तो मैं अकेले घूम रहा हूँ थिएटर में। फिर इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है, जो मुझे इतनी बोर लगी कि मुझे ये फिल्म छोड़नी पड़ी। इंटरवल के बाद 10-15 मिनट में बैठा, फिर मैं भी थिएटर छोड़ के चला गया, क्योंकि परफॉर्मेंस में अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा ने इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया है कि मुझे लगता है ये लोग एक्टर है क्या, ट्रैक्टर है ये लोग, गॉड नोज वाई ये लोग गलती से एक्टर बन के लगता है, ऐसा लग रहा है। कुछ फिल्में इन्हें अच्छी की है इन्होंने, फिर पता नहीं इसमें पिक्चर में इन्होंने क्या ऐसा किया कि आदमी को सर पटकने का मन कर रहा है। अगर थिएटर में जहर मिलता तो मैं शायद जहर खरीद लेता था, इतनी मुझे घटिया पिक्चर लगी है पिंकी और संदीप फरार। तो गाइज इस पिक्चर की टिकट तुम्हें कोई फ्री में दे और उससे साथ आपको वर्ल्ड टूर करने का टिकट भी देना तो भी ये फिल्म गलती से मत देखना, इट इज दैट बैड, ट्रस्ट मी। इट इज बेटर गो एंड वॉच जॉन अब्राहम सॉलिड परफॉर्मेंस इन मुंबई सागा, एटलीस्ट वो पिक्चर तो देखने लायक है। संदीप और पिंकी फरार, प्लीज इस पिक्चर को थिएटर में तो लेके आए, अभी टीवी पे मत लाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वरना लोग घर से फरार हो जाएंगे, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। सो गाइस इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन दिस बॉय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।